एक नीतीश जी को सौंप देता हूँ। हाँ जी स्वागत है, ये बढ़िया गीत है, बढ़िया है। कि अच्छा कभी कभी इनसे मिलल बाड़ू, कभी इनसे मिलल बाड़ू, कभी उनसे मिलल बाड़ू, कभी ममता कभी लालू, कभी उद्धव कभी झाड़ू, कभी उद्धव कभी झाड़ू, सियासत के घटक धल हैं, कभी फूफा कभी झा, कभी फूफा कभी साड़ू, मिले जो दल उन्हें उन्हीं के साथ में सीएम की कुर्सी के सहारे बन गए, खिलाए गुल कभी तो कभी लालटेन, उठाई तो हंसी नजारे बन गए, मिले जो दल उन्हें। वाह 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 दादा, सही चल रहा मामला। दरअसल जब मेरी पहली बार शादी हुई, हाँ, तो पहली बार सुहाग रात आई, मैंने पहली बार अपनी पत्नी का घूंघट उठाया, उसके सम्मान में मैंने 10-20 श्रृंगार रस के गीत लिखे थे बाबूजी, 5-7 गीत सुनाए, वो शर्माई, मैंने कहा शर्मा मत, ताली बजा। तब से हम लोगों को पंचलाइन भी पंचर हो जाती, तालियां बजाओ तो मिलके खुल जाओ थोड़ा सा एक बार। अरे नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, काशी वाले विश्वनाथ ने खोल दिए भंडारे, सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया, जब तक सारे नहीं बजाओगे मैं नहीं गाऊंगा। अरे नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, काशी वाले विश्वनाथ ने खोल दिए भंडारे, सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया, उसके बाद भी 100 रुपया लीटर तेल हो गया, खेल हो गया। तो मैंने पेट्रोल की महंगाई पे पैरोडी लिखी, वो कार्यक्रम शुरू हुआ था ना नमस्ते ट्रंप, मैंने नया शुरू कर दिया आजकल नमस्ते पंप। सुनना, पेट्रोल की महंगाई पर देखिए भाषा व्यंग की ऐसी होनी चाहिए कि जिसके खिलाफ लिखो सामने बैठा हो उसको भी आनंद आने लगे। सुनिएगा, तेल करो सस्ता ना, अरे तेल करो सस्ता ना, और कोई रास्ता ना, तेल गरीबों का निकला जाए, अरे तेल करो सस्ता ना, और कोई रास्ता ना, तेल गरीबों का निकला जाए। हाँ लक्ष्मीकांत प्यारे लाल, अरे कानों में डालो तेल जरा सा, धक धक धड़कता दिल है जरा सा, कानों में डालो तेल जरा सा, धक धक धड़कता दिल है जरा सा, पंप देख कर धड़कन रुक जाए, तेल करो। किसी का नाचने का मन हो तो नाच सकता, मैं बुरा नहीं मान। अरे डीजल दिखाए मस्त अदाएं, पेट्रोल का ये एटीट्यूड हाय, डीजल दिखाए मस्त अदाएं, पेट्रोल का ये एटीट्यूड हाय, नोट गुलाबी देख के शर्माए, कोई बात इसकी ज्यादा खुली हुई, इको भी कर रहा है इको, मेरी मेहनत का पूरा तेल इसका तेल निकल गया। कोई बात नहीं, ये तो होता रहता, ये इसमें इको भी ज्यादा है, बस अभी ठीक है ओके रहने तो भैया, कोई बात नहीं। इको से मुझे याद आ गया कि इको जो है कभी कभी बड़ा गड़बड़ कराता है। वो पिछले दिनों की बात है, हमने एक मुशायरा किया नोएडा में, मेरे दोस्त हैं कलीम भाई, बहुत प्यारे मित्र हैं, बड़े शायर हैं, लोकल आदमी हैं, तो लोकल के लिए सुदीप भाई तुम्हारी भाभी जान भी आएंगी साथ में मुशायरा सुनारे, मैंने कहा स्वागत है लेके आओ, तो भाभी सामने बैठ गई,
कलीम भाई सामने माइक पे खड़े हुए, गज़ल पढ़ने की बारी आई, अपने कथा सुनाने वो आए तो माइक का ईगो बढ़ा दिया उसने। अब उनने पहली ही गज़ल के पहले ही शेर के पहले ही मिसरे का पहला ही शब्द बोला तलाक, ईको हो गया। ईको क्या हुआ, वही हो गया जो बोला। तब से उनकी आवाज परमानेंट ईको में निकल रही है, माइक ठीक हो चुका है, माइक का तेल भर गया। हाँ भाई, मैं आपको एक अच्छा गीत जरूर सुनाऊंगा, लेकिन मैं एक दो तीन दो चार पंक्तियां मैंने नई नई लिखी हैं, उसको तो सुनाई दो। और 15-20 मिनट मुझे काव्य पाठ करना है कुल मिलाकर, जितना मन करे उतना कर। के ये मत सोचो गीत सुनाने आया हूँ, क्या बात है, यहाँ सीतामढ़ी में क्या गीत सुनाएंगे हम, सुनाओगे दिनकर जी की धरती पे, गोपाल सिंह नेपाली की धरती पे हम क्या सुनाएंगे, क्या लिखा हमने, ऐसा हमने कुछ नहीं लिखा, बस आपके चेहरे की मुस्कुराहटें बनाने के लिए आ जाते हैं। ये मत सोचो गीत सुनाने आया हूँ, ना दिनकर को दीप दिखाने आया हूँ, ना दिनकर को दीप दिखाने आया हूँ, ये मत सोचो गीत सुनाने आया हूँ, जिस धरती पर स्वयं जानकी जन्मी है। अगली पंक्ति मुझे आशीर्वाद की दीजिएगा। ये मत सोचो गीत सुनाने आया हूँ, ना दिनकर को दीप दिखाने आया हूँ, जिस धरती पर स्वयं जानकी जन्मी है, जिस धरती पर स्वयं जानकी जन्मी है, उस धरती को शीश झुकाने आया हूँ, उस धरती को शीश झुकाने आया हूँ, उस धरती पर शीश झुकाने आया हूँ। एक अद्भुत काम हुआ अभी, हम पिछले दिनों आपके नीतीश कुमार जी से, मेरा इन दिनों सर कुछ थोड़ा ऐसा चल रहा है, सर बैठिए ना प्लीज, आपने सही किया, वो जैकेट के बटन खोल लिए, ऊपर नीचे लगे हुए थे, मैं देख रहा था, फिर मैंने कहा चलो माइक सही बोलूंगा, लेकिन आपने खोल लिए, गर्मी बहुत है। मेरी नीतीश जी से इन दिनों ऐसी चल रही है, बिल्कुल कट्टर। एक तरफ तो नारे देते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और एक तरफ आप इनका नीतीश जी के चक्कर में मेरी बिटिया के 5 नंबर परीक्षा में कट गए। वाह भाई वाह, 5 नंबर कट गए, बढ़िया बात है सुदीप, बढ़िया बात है। प्रश्न ही ऐसा आ गया, बात नहीं दादा, प्रश्न ऐसा आ गया परीक्षा में, वो जब उनकी भाजपा के साथ गठबंधन में सरकार चल रही थी तब एग्जाम आ गए, बिटिया को क्वेश्चन आ गया कि बिहार की सरकार नीतीश कुमार जी किस घटक दल के साथ मिलकर चला रहे हैं, ए भाजपा, बी कांग्रेस, सी रालोद और डी अन्ना द्रमुक मुन्नेत्र कड़गम। मेरी बुटिया थोड़ा सा पॉलिटिकल इंटरेस्ट रखती है तो उसको पता था, उन्होंने भाजपा पे टिक कर दिया। अब जब तक कॉपी चेक होके आती, तालियां ज्यादा बजाया करो आप थोड़ा सा, यही तो ज्यादा है, अच्छा ये ज्यादा है,